गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न इन दी सब्जेक्ट लेसन नंबर 9, पशुओं का आहार मीन्स फूड ऑफ एनिमल्स। यहाँ पे ब्रैकेट में कुछ पशुओं के नाम दिए और वो पशु क्या क्या खाते हैं और वो शाकाहारी है क्या मांसाहारी, यहाँ पे आप लोगों को इस लेसन में लिखना है। तो फर्स्ट इस ब्रैकेट में पशुओं के नाम और उसका आहार दिया हुआ है। फर्स्ट एरिया ये सब रीडिंग करने वाले पढ़ने वाले, बंदर फल खाता है, बकरी जाड़ों की पत्तियां खाती है, शेर मांस खाता है, कुत्ता पाव रोटी खाता है, हाथी पत्ते खाता है, गाय घास खाता है, घोड़ा घास खाता है, चीता मांस खाता है। ओके, यहाँ पे पढ़ने के बाद आप लोगों का ऐसा पता चला कि कौन शाकाहारी प्राणी है और कौन मांसाहारी प्राणी है। बकरी मांसाहारी बोलती है लेकिन बकरी उसको काटने के बाद हम लोग खाते हैं, लेकिन बकरी ओनली पत्तियाँ खाती है यानी कि भाकरी खाती है। ओके, शेर कुत्ता चीता ये सब क्या खाते हैं, मांस खाते हैं। सो ये प्राणी क्या है, मांसाहारी प्राणी है। बंदर बकरी हाथी गाय घोड़ा ये सब घास खाती है, झाड़ों की पत्तियां खाते हैं, उसके पत्त फल खाते हैं, तो ये सब शाकाहारी प्राणी है। तो यहाँ पे आप लोगों को शाकाहारी प्राणियों के नाम लिखने हैं और मांसाहारी प्राणियों के नाम लिखने हैं। तो शाकाहारी प्राणी कौन कौन है, मैंने बताया आप लोगों को, बंदर बकरी और हाथी गाय घोड़ा और कुत्ता। कुत्ता मांसाहारी भी आता है शाकाहारी भी आता है। ओके, लेकिन यहाँ पे सिर्फ शाकाहारी प्राणियों के नाम लिखना है तो आप लोगों को यहाँ पे बंदर बकरी हाथी गाय घोड़ा इसमें से कौन से ही तीन नाम यहाँ पे लिखना है, और मांसाहारी प्राणियों के नाम शेर चीता और कुत्ता भी लिखना है। ओके, नेक्स्ट सी है, यहाँ पे चित्र दिया हुआ है कौन क्या खाता है, चित्र देखो समझो और लिखो कौन क्या क्या खाता है। यहाँ पे ब्रैकेट में दिए हुए तो करेक्ट चित्र देखकर उसके सामने कौन सा आंसर आता है वो यहाँ पे हमें लिखना है। ये क्या है, घोड़ा घास खाता है मीन्स घास खाता है, घोड़ा घास खाता है। हाथी पत्ते खाता है, करेक्ट। बंदर फल खाता है, शेर मांस खाता है, बकरी पत्तियां खाती है, चीता मांस खाता है और गाय घास खाता है, इस तरह। ओके, समझ में आया, थैंक यू।